धक्का लाके गड़ी चलाई यार, एडवेंचर सोच रहे एडवेंचर हो गया। ढलवान चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, नॉर्मली साढ़े रंगे बंदे वास्ते इतों वाले तो चढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता। सामने नज़ारा देखो, पैसा वसूल नज़ारा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो यार? अचानक, बिल्कुल अचानक बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया है कि यार चलो कश्मीर चलीए। तो असी हुण रात दे तकरीबन 11:30-12 हो गए हैं, तो असी हुण निकले हैं कश्मीर वास्ते। तो रस्ते चो साढ़े कुछ उस्ताद जी है, उन्होंने लेना है, तो नाल ने मेरे शाहिद भाई। हेलो शाहिद भाई, जेडे ने ब्लॉगिंग के चक्कर जा रहे हैं, तो इन्होंने मैनू भी दावा दी कि कहते यार तू इतें धक्के खाता फिरना, तो क्यों ना तू चल साढ़े नाल, तो थोड़े पैसे खर्च कर, तो नाले वेख के आने कश्मीर जिहड़ा कि पहले नहीं देखिया। तू मैं नहीं देखिया, हाँ इन्हां दा कितनी दफ़ा देखिया होया। लो जी, पहला फ्यूल फिल कराने वास्ते असीं गड्डी पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप ते, इत्थों पेट्रोल फ्यूल कराने ते फिर निकल जाने अपने डेस्टिनेशन ते। गड्डी वाला पेट्रोल पा के नस रहा सी, जिहड़ा साडा पेट्रोल पा रहा सी बंदा, वो भज के गया है, तो उन्हें जाके ना उन्होंने रोकया भी भाई पैसे तो दे के जा, पैसे भी तो दिए सानू। ये साढ़े उस्ताद हरी ने। अज कुछ भी नजर नहीं आता पाया, माशाल्लाह बारिश बड़ी कमाल दी हो रही है। ये भी देखा एडवेंचर है इस तरह औखे होकर गड्डी चलाना भी। इन्नी तेज बारिश हो रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। शाहिद भाई जड़े ने वो बिल्कुल स्क्रीन के नाल लग के देख देख के गड़ी चला रहे हैं, और उस्ताद जी जड़े ने वो गड़ी साफ की जा रहे हैं, स्क्रीन साफ कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ नज़र आए। इस टाइम असं पहुँच गए अमनाबाद, तो तकरीबन 2:30 बज गए हैं, तो रस्ते गुजरांवाल जिस तरह ही क्रॉस किया सानू कंटिन्यू बारिश मिली, और इन्नी कु शदीद बारिश, कमाल की बारिश हो रही थी, उन्हें बारिश कंटिन्यू हुई, तो असं रुके हैं जरा चाय शाय पीने वास्ते। सुबह के 4:40 हो गए हैं, तो असी दूसरी ब्रेक लई है, दूसरी ब्रेक लैनी नहीं सी वैसे, दूसरी ब्रेक दवाई की उनकी वजह हैगी कि असी खिड़की खोल के ना ठंडी हवा के लुत्फ लै रहे थे, साढ़े को एक गड्डी गुजरी बड़ी बेरहमी ना, तो उन्हें सत्यानाश करता सारा पानी बारी तो चुक के गड़ी सुटता है, हम असी गड्डी साफ कर रहे हैं। ਸਹੀ ਗਾਣਾ ਕਰੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ 5 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, तकरीबन टाइम हो गया है 6 बजे वाले ने, असी हुण पहुँचे मंदरां, यह साड़ी तीसरी ब्रेक है, तो हुण इत्थे बारिश स्टार्ट हो रही है, पिछे 10-15 किलोमीटर ऐसे ही गुजरे ने जिथे बारिश नहीं हो रही थी, असी बड़े खुश था, लेकिन इत्थे आके दोबारा फिर बारिश शुरू हो गई है, तो अज बारिश पता नहीं साडा की करेगी। इधर देखो बदल बड़े कमाल दे गए ने, और यह देखो पिछे बहुत ज़्यादा बदल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुभ। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world
world seems small. We can sit together. It's so beautiful. इस्लामाबाद इधर हो चुके हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा गुजर गए इस्लामाबाद। हूँ असी जा रहे हैं मुजफ्फराबाद, इधर रस्ता बन गया, पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुकी है। बदल बड़े कमाल दे ने, सूरज बड़ा शानदार निकले है। ऑलमोस्ट जो कश्मीर इंटर होने वाले हैं, असं हूँ पंजाब है। इस समय जो तुम पहाड़ देख रहे हो, ये कश्मीर का पहाड़ है और सेंटर दरिया जेलम है। दरिया जेलम असं क्रॉस करा तो कश्मीर इंटर हो जावे। मुजफ्फराबाद 35 किलोमीटर रह गया। हाँ जी, तो टाइम हो गया 10:40, तो हूँ असं पहुँचे हैं मुजफ्फराबाद। तो एक दोस्त वेट कर रहे हैं, दोस्त आएगा तो उसके बाद असं चलेंगे लीपा। लीपा असं जाना है, तो थोड़ा इतने वेट करने हैं, थोड़े रेस्ट करने हैं, उसके बाद फिर चले हैं लीपा। हाँ जी, खाना वाना खा लिया है, तो ट्रैकिंग हैकिंग तैयारियां हो रही ने, कैमरे रेडी हो रहे हैं, तो उस तो बाद निकलते हैं फिर लोकेशन पर। शाह भाई कैमरा रेडी कर रहे हैं, तो बहुत डल आ रहा है। खाना खा के तो 2 घंटे की ब्रेक लैके तो हूँ असं तुर पे हैं छम वाटरफॉल। तो छम वाटरफॉल जी हैगी सुने है कि इतने कश्मीर की सब तो वड्डी वाटरफॉल है। रस्ते का कुछ नहीं पता है, ना ही गूगल पर सर्च हो रहा है, लेकिन असं पुछ पुछ के जा रहे हैं। देखो हम पहुँच सकते हैं कि नहीं, ताए च जाके फिर भी कुछ सुकून है, बेहतर है। असं हम गुजर रहे हैं गढ़ी दुपट्टा बाजार चों, और ये वो इलाका है जो 2005 जलजले च इंतहाई मुतासर होया। उस तो बाद असी जा रहे हैं चनार बाग, चनारी चनारी जा रहे हैं, उतों असी जावांगे छम वाटरफॉल। यह साडा गाइड है, और ये वो गाइड है जिन्हों असी गाइड करना है। आप सार आ गए यार, दो है कौन सी छम 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 सफर किना होगा, पैदल का किना होगा? पैदल अगर जाए तो हाँ जी जी इतने पहुंचे हाँ। तो ठंडी ठंडी हवा ने साडा इस्तकबाल किया है, तो बोर्ड के उत्ते सही नाम लिखे आया सी, तो नाम ही गलत पढ़ रहा सर। छंब आबशार, छंब वाटरफॉल, ए देखो ए जी। मौसम बहुत कमाल का हो गया, तुसी चेक करो, बदल निकलना शुरू हो गए ने, तो शायद बारिश का मौसम होने वाला है। बहुत कमाल का मौसम हो गया, कमाल यार, बहुत आला। अल्लाह तेरी कुदरत एडा खूबसूरत नज़ारे विखाए सानू, इस काबिल समझे कि असी चीज़ा देख सकीए। वाह मौला तेरी कुदरत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। धक्का लाके गड्डी चलाई यार, एडवेंचर सोच रहे थे, एडवेंचर हो गया। ढलवान चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, नॉर्मली साढ़े रंगे बंदे वास्ते
ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸਤਾਦ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਲਿਪਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ, ਇਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਓਏ, ਮੈਂ ਵਹਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਾਲ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਵੈਂਚਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਲਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਛਮ ਵਾਟਰਫਾਲ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ, ਐਡਾ VIP ਮੌਸਮ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਨਮਿਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ। 15-20 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਨੀਚੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਅਤੇ ਆਬਸ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਵੀਦ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨੀਚੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਆਬਸ਼ਾਰ ਦੇਖੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ 10 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਹੋਟਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸਰ ਜੀ, ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਚਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਬਸ਼ਾਰ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਤਲੇ, ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ। ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੱਚਾ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।